डन ओके। तो विद्यार्थियों कल तक हमने जो कुछ पढ़ा था एक बार दिखा दो मुझे, उसमें सर संकल्प लाम रहिएगा, टेस्ट चल रहा है उसमें भी सर हिंदी का, इसी में कुछ देर हो जाएगी ना उसके बाद चेंज हो जाएगा। ओके डन। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों कल तक मैंने जो कुछ भी बतलाया है उन सब पर आधारित कुछ क्वेश्चन देने वाला हूं मैं। उस क्वेश्चन को देने से पहले मैं चाह रहा हूं कि कल वाली बातों को एक फॉर्मूला के तौर पर यहां लिख दूं ताकि आज हम उस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे बहुत ही अच्छा अच्छा ठीक है। देखिए मैंने जो बातें बतलाई थी उसको गद्य नहीं पद्य में सुना रहा हूं, ध्यान से देखो। उधर मैंने कहा था कि यदि एच ऊंचाई के भवन से हम यदि किसी चीज को नीचे गिराएंगे तो उसका आवर्तकाल जिसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, सॉरी आवर्तकाल कह रहा हूं, उड़ान काल जिसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर 2h/g तथा नीचे आने के बाद इसका जो वेग होगा धरती पर जब टकराएगा तब जो इसका वेग होगा वो होता है अंडर रूट 2gh। ठीक, ये बातें मैंने बतला दी है। इधर देखो ध्यान से तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। मैंने कहा यदि h ऊंचाई के भवन से किसी पिंड को नीचे गिराया जाए तो नीचे आने में लगा हुआ समय, ऊपर से गिराओगे तो नीचे आने में लगा हुआ समय 2h/g और उसका वेग हो जाएगा 2gh रूट ओवर 2gh। अगला बात है यदि हम किसी वस्तु को ऊपर फेंके तो ये जितना ऊपर जाएगा फिर वापस आ गया, ये धरती है ऊपर गया ऊपर से वापस आ गया तो अधिकतम ऊंचाई जितना गया है ये सबसे अधिकतम जितना ऊंचाई गया है ऊपर फेंका गया होगा तो किसी न किसी वेग से फेंका गया होगा, उस वेग का नाम मैं यू कह रहा हूं। बालिके इधर देख लो, तुम्हें लगता होगा ये मुझे आ रहा है इस पर क्वेश्चन दूंगा नहीं बना पाओगे है ना, इसलिए इधर देखो यू वेग से फेंका गया तो इसका आवर्तकाल फिर से कह रहा हूं नहीं उड़ान काल, इसका जो उड़ान काल होगा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा उसके लिए मैंने फॉर्मूला कल परसों में प्रूव किया था होता है हाँ 2u/g। कितना वापस आने में कितना टाइम लगेगा जब नीचा से फेंका गया है तब वो होता है 2u/g। अगली बात है कि बताओ भाई कितना ऊंचाई जाएगा यानी कि एच मैक्स का फॉर्मूला, अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला होता है u²/2g। अधिकतम कितना ऊंचा जाएगा उसका फॉर्मूला होता है u²/2g, कल के क्लास में मैंने करवाया है। अब देखिए ध्यान से, इतना होने के बाद मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जहां से हमें सब कुछ समझ में आएगा। देखो तो इस क्वेश्चन में सारा का सारा कुछ मैं पूछ लूंगा एक ही क्वेश्चन में। ध्यान से देखिए, एक पिंड है, एक गेंद है मान लो, इस गेंद को ऊपर की ओर फेंका गया है, पचास मीटर पर सेकेंड के वेग से एक गेंद लिया मैंने, इस गेंद को फेंके हैं ऊपर, एक गेंद लिया मैंने और इस गेंद को मैंने ऊपर फेंका है 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंक दिया मैंने ऊपर। अरे लड़का अरे, अभी तुमसे पूछने वाला हूं, तू ही बनाएगा सारा क्वेश्चन, यहां बुलाऊंगा बोर्ड पे तेरे को मैं, ध्यान दो यहां बोर्ड पे। ठीक, बोला गया है पहला क्वेश्चन इसमें भाई गेंद को ऊपर फेंक दिया गया है 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से, पूछा गया है पहला क्वेश्चन कि गेंद की अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करें, पहला क्वेश्चन है। दूसरा, गेंद द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें, तीसरा है गेंद का विस्थापन ज्ञात करें, चौथा है गेंद को
ऊपर जाने में, ऊपर मतलब कहाँ, भगवान के पास नहीं, आसमान मतलब कहाँ, अरे ऊपर का मतलब कहाँ, सबसे अधिकतम ऊंचाई, स्पेस में भी गेंद को अधिकतम ऊंचाई ऊंचाई तक जाने में लगा समय ज्ञात करें। बालिके इधर देखो, पांच अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय ज्ञात करें। छठा गेंद का उड़ान काल ज्ञात करें। छठा गेंद सतह से किस वेग से टकराएगा। किस वेग से सतह पर, सतह पर किस वेग से गिरेगा। ठीक है, हो गया सारा क्वेश्चन मैंने दे दिया हुआ है। छह के छह क्वेश्चन हमें करने हैं। देखिए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, सब लोग ध्यान से देखो, मैं एक बार समझा देता हूं। मैंने चूंकि ये सब कुछ बतला दिया हुआ है तो मैं चाहता हूं एक बार तुम लोग ट्राई करोगे इसको करने का। मैं पहले समझा लेता हूं सब कुछ में क्या क्या कहां करना है। बालक पीछे जो बैठा हुआ है सब यहां देखो, बस कुछ नहीं करना है, समझ जाओगे बना लोगे, नहीं समझोगे तो नहीं बनेगा। देखो मैंने कहा ऊंचाई से यदि गिराओगे, देखो दोनों में है उड़ान काल का फॉर्मूला, उड़ान काल का दोनों में फॉर्मूला है, कौन कब लगाना है इसको समझो। यदि हम ऊंचाई से गिराएंगे तो उड़ान काल का फॉर्मूला में रूट लग रहा है, देख रहे हो 2h/g। ऊंचाई से गिरा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो उड़ान काल के फॉर्मूला में रूट लग रहा है रूट अंडर 2h/g। और धरती पर जो जिस वेग से टकराएगा उसका फॉर्मूला है रूट अंडर 2gh। नीचे से फेंका गया है, नीचे से जब ऊपर फेंका जाएगा तो अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला है देखो u²/2g, और उड़ान काल का फॉर्मूला है 2u/g। आप देखेंगे नीचे से ऊपर जाने में जितना समय लगा था उतना ही ऊपर से नीचे आने में समय लगा था, याद होगा कल परसों मैंने ये बात बतलाई है ना। तुम बात कर रही हो राम, कल इधर ध्यान दो। तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे कि भैया आधा समय तो जाने में लग गया और आधा आने में लग गया। जब यहां क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिर्फ ऊपर जाने में कितना समय लगा तो क्या करेंगे, 2u/g लगाएंगे क्या, नहीं u/g, क्या सही कह रहा हूं ना, या फिर टोटल जो समय लग रहा है उसका आधा कर दो। मैं इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता था कि भैया बताओ नीचे आने में कितना समय लगेगा। मैं ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि नीचे आने में कितना समय लगेगा, लेकिन मैंने उतना ज्यादा नहीं बढ़ाया है। तो देखिए सबसे पहला गेंद की अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करें। मेरे प्यारे प्यारे राज द्वारे विद्यार्थियों देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन है कि गेंद को अधिकतम ऊंचाई जाने में कितना समय लगा, यानी कि कौन सा फॉर्मूला, hmax/u²/2g, ये फॉर्मूला लगाएंगे। बुआ रे इधर मुंह मचोड़ देंगे तुमको, निपट जाएगा तुम इल्लू कहीं का, आया उम्र से बात कर रहा है उससे, कहा था इस समय से ऐसा थप्पड़ लगाओ वहीं जाएगा गिरेगा बस बाकल सब। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन पूछा गया गेंद की अधिकतम ऊंचाई याद करें। अपन तुम ही लोगों को बनाना है, बहुत जरूरी है ये बात, मैं नहीं बना रहा इसे। गेंद की अधिकतम ऊंचाई याद करें, हम लगाएंगे फॉर्मूला कौन सा, u²/2g। दूसरा गेंद द्वारा तय की गई दूरी याद करें, ये कैसे निकालोगे, hmax वही दूरी हुआ इसका, सोचो कैसे बनाओगे। सब लोग सोचो, चूंकि मैं नहीं बना रहा इसे, जो नहीं बनाएगा उसको थप्पड़ लगाऊंगा मैं। कैसे बनाएंगे, टोटल कितना दूरी गेंद ने तय किया तो सोचो जरा, जितने ऊपर गया उतने, यानी कि h जो निकाले क्या इसका दुगुना दूरी तय नहीं करेगा, उतने ऊपर गया उतने नीचे आया, यानी कि दरअसल ये h+h है, दरअसल 2h है। नेक्स्ट गेंद का विस्थापन ज्ञात करें, जहां से चला वही पहुंचा, विस्थापन 0, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अगला है गेंद का अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करें, तो निकाल ही लेंगे hmax/u²/2g, तो लिखे हुए दो दो बार अधिकतम ऊंचाई हो गया क्या, अच्छा अच्छा अधिकतम ऊंचाई तक ले जाने में लगा हुआ समय ज्ञात करें, तो क्या लगाओगे 2u/g, बोलो बोलो, अरे फॉर्मूला क्या लगाओगे 2u/g, क्या u/g, हाँ जितना समय ऊपर जाने में उतना ही नीचे आने में, तो टोटल जितना समय लगा है उसका आधा आंसर होने वाला है, 2u/g होता है उसका आधा u/g होने वाला है। नेक्स्ट गेंद का उड़ान काल, ये तो 2u/g है ही,
यही फॉर्मूला टू यू बाई जी, ऊपर का मत लगा देना टू एच बाई जी, समझ रहे हो ना? ये क्यों नहीं लगा रहे हैं? हाँ ऊपर से गिराने वाला है, यहाँ नीचा से फेंका गया है, और दूसरी बात यहाँ हाइट है, यहाँ तो यू दिया हुआ है ना, ऑब्वियसली यही लगेगा। नेक्स्ट, गेंद सतह पर किस वेग से गिरेगा, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। ये कैसे निकालेंगे भाई हम, गेंद सतह पर किस वेग से गिरेगा, कैसे बनाएंगे हम? दिमाग लगाएंगे, सोचो क्या सोचेंगे, हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पहुंचने के बाद आपको पता है ना कि यहाँ पर वेग जीरो हो जाता है, तो हम ये सोचेंगे कि भाई वो बिल्डिंग है, जितना ऊपर गया वहां पर एक बिल्डिंग है, वहां जाके हम छोड़ दिए उसको, क्योंकि वहां से चला होगा जीरो से ही, तो फॉर्मूला यही लगाओगे आप, सॉरी ये यही ना, टू जी एच, एच क्या हो जाएगा, वो जो जहां पर जाकर के वो वापस लौटा है, यानी कि अधिकतम ऊंचाई हमारा एच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वही सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि वहां जीरो से चला, जीरो से चला और उसके बाद नीचे गिर रहा है धरती पर, तो ऊंचाई जो होगा वही रख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो तेरे वो है कि लुढ़क गई, हिला उला उसको, हाँ देखो ना, देखो वहां गया वापस आया तो वहां तो रुका ही हुआ ही तो था। तो मैं चाह रहा हूं एक बार सब लोग अटेम्प्ट करें इसे, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी अटेम्प्ट करें खुद से, और दो मिनट के बाद अपन इसको सॉल्यूशन करेंगे, तब तक मैं सबका देखूंगा। अभी सब लोग बनाओ एक बार, हाँ विद्यार्थियों ध्यान दीजिए बोर्ड पर, तो जिन लोगों से नहीं बना है वो कृपया बोर्ड पर ध्यान दे, जिन लोगों से नहीं बना है कृपया बोर्ड पर ही ध्यान रखें, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन देने वाला हूं इसका 100 गुना भारी है, सीधी सी बात है। सब लोग देखो बोर्ड पर, सब लोग देखो बोर्ड पर, सब लोग देखो बोर्ड पर। मैंने कहा पहला क्वेश्चन देखो, तो गेंद की अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करें, गेंद कहां से फेंका गया है, नीचे से। ध्यान से सुनो इस बात को, एक एक बात काम की है जो मैं बोलूंगा, सब शब्द काम का है। मैंने कहा गेंद नीचे से फेंका गया है अधिकतम ऊंचाई, देखो तो यू वेग से ऊपर फेंकने पर अधिकतम ऊंचाई का लिखा हुआ है, देखो रे यू वेग से ऊपर फेंकने पर अधिकतम ऊंचाई कितने होता है, टोपी यू वेग से ऊपर फेंकने पर अधिकतम ऊंचाई कितना होता है, यू का स्क्वायर हो गया यू स्क्वायर बटा टू जी। देखो यहां लिखूंगा एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर बाय टू जी, यू का मान साफ साफ बोला हुआ है, देखो ना 50, तो लिखोगे 50 का स्क्वायर यानी 50 गुने 50 बट्टा 2g, 2 गुने 10। ये 10 कहां से लाया मैं, जी का मान, बहुत अच्छे सॉल्व करेंगे, 25 से मर गया ना ये, 25 पंचे का 125 मीटर, सही उत्तर ना, बस मजा आ गया। कितने लोगों ने सही उत्तर निकाला, हाथ खड़ा करो तो। अबे तो उस समय सब क्या हो गया था, उस समय पूछा कितने लोगों ने, उस समय कितने लोगों ने कोई ना। दूसरा देखो, गेंद द्वारा तय की, और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो ना ध्यान से, गेंद द्वारा तय की गई दूरी, क्या गेंद ऊपर गया साथ में नीचा भी आया, यानी जितने ऊपर गया उतने ही नीचा आया, बोलो टोटल दूरी, मेरे साथ लिखने वाला कलम तोड़ दूंगा मैं तेरा, उस समय से नहीं बनाया है, मैं लिख रहा हूं एच तो यो लिख रहा है, एच के इतनी पारा तेरे पार दिया है, ऐसे किया तो यो कर दिया ऐसे, और उस समय से बैठ करके ध्यान दो यार, मत लिखो अभी, हाँ तू बताएगा, तू ही बताएगा, बोलो तो गेंद द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें कैसे बनाए, भगवानपुर साक्षात परम ब्रह्म अवतार लिए, बोलो भाई कैसे निकालेंगे गेंद द्वारा तय की गई दूरी, बोलो ना रे जे आता है, बोलो ना कुछ, बोलो ना, आ दूर से केकरा गुना करेंगे, काहे क्योंकि जितने ऊपर गया है उतना नीचे आया है, और ऊपर जाया है कितने 125, तो क्या नीचे आकर के उतना दूरी हो गया तो क्या ऊंचाई नहीं हो जाएगा, 2 गुने 125 यानी कि 250 मीटर, इतने दूर चल गया, सही है ना। विस्थापन देखो पूछा है, विस्थापन बताओ भाई, विस्थापन कितने, जीरो, कहां से पता चला, जहां से गया वही आया, तो विस्थापन कितना, जीरो, देख रहे हो ना, देख रहे हो ना विनोद। नेक्स्ट, गेंद की अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय, हम कहे हैं जाकर के आने में कितने समय लगता है, 2u/g, सिर्फ जाने में कितने, u/g, तो मैं लिखूंगा गेंद की अधिकतम ऊंचाई हो गया, ठीक है यहां लिखूंगा कि भाई जाने में लगा समय ज्ञात करें, समय बराबर कितने हो जाएगा, u/g, ये समय बराबर u/g, u का मान 50, g का मान 10, गया गया यानी कि 5 सेकेंड। नेक्स्ट देखो, गेंद का उड़ान काल
गेंद का उड़ान काल, बुआ रे गेंद का उड़ान काल, टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू बाय जी, टू तो टू ये है, कोई बात नहीं, यू का मान जीरो कह रहा है, देखो तुम्हारा नंबर नहीं पूछ रहा हूं दसवां वाला, जी का मान दे दस, गया दस सेकेंड, बुआ इमर देख लो धीरज, हाँ अगला है गेंद सतह पर किस वेग से टकराएगा, अरे अगला क्वेश्चन है गेंद सतह पर किस वेग से टकराएगा, सुनो 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 एक गजब की बात बताता हूं, आशिक इधर सुनो पहले मत लिखो मेरे साथ, मैं चाहता हूं तुम बढ़िया बच्चा बने, बस अपने से क्वेश्चन सॉल्व करो, सुनो ऊपर जिस वेग से फेंकेगा ना, मैं बता रहा हूं पहले, क्या हमने जाना है ऊपर जाना बराबर नीचे आना, कहिया जाना, सुनो क्या हमने जाना है ऊपर जाना बराबर नीचे आना, तब ना ऊपर जितने दूर गया उतने नीचे दूर गया, जितने ऊपर जाने में समय लिया उतने, तो जिस वेग से ऊपर फेंका गया उसी वेग से नीचे आएगा, पहला बात दिमाग वाला बात है, अब हम बनाते हैं क्वेश्चन को, डोंट वरी कि मैं बनाऊंगा नहीं, मैं बनाऊंगा बट मैं कह रहा हूं बताओ मुझे, जितने ऊपर जाने में लगा समय उतने नीचे आने में, जितने ऊपर गया उतने नीचे आया, तो जिस वेग से ऊपर फेंके उसी वेग से, सही है ना, चलो ये तो हमारा लॉजिक हो गया, बुआ फिर से लिख रहा है भगवानपुर, तुम मत लिखो, मैं थोड़ी है कि मैं जैसे ही बताऊंगा बोले बोले मैंने बनाया मैं मिटा दूंगा, किसी को लिखने दे दूंगा मैं, ऐसा मैं नहीं कहने जा रहा हूं, आराम से रहो बाद में लिखेंगे हम, बस बस देखो इधर, गेंद सतह से किस वेग से गिरेगा ये क्वेश्चन है, देखिए विद्यार्थियों आप जानते हैं गेंद जब ऊपर गया होगा तो सबसे अधिकतम ऊंचाई पर विराम में आ गया होगा, बोलो ना, गेंद जब ऊपर गया होगा तो सबसे अधिकतम ऊंचाई पर विराम में, और जब हम ऊपर चढ़ करके किसी वस्तु को गिराते हैं तो यहाँ पर वस्तु किस वेग में रहता है, विराम में, पता है यहां से गिराते हैं तो वस्तु किस वेग में है, विराम में, जरा सोचो नीचे से फेंके वस्तु यहां आके तब लौटा है तो क्या यहां विराम में नहीं है, हम मान सकते हैं वस्तु कहां है, विराम में, और लगा देंगे वही फॉर्मूला, कौन सा, ये वाला सर, ये वाला 2GH वाला, तो लिखोगे भी बराबर 2GH, बेचारा दू तो दुइये है, जी हमारा दसे है, एच हमारा एच रे, एच 50, एच तो एच है 50, वेग है 50, एच निकाले है कहीं पर 125 उबी रूट में कितने हुआ है, हाँ 2500 से बाहर कितने निकला, 2500 से 25 निकलेगा 50, अच्छा आंसर इस समय से 50 बोल रहे थे, वो तो हमको शुरू से ही पता है, जिस वेग से फेंकेंगे उसी वेग से लौटेगा, किस वेग से फेंका है हमने 50 से, लौटेगा भी किससे 50 से, 50 मीटर पर सेकेंड, जिनसे नहीं बना है अब छापिए, आशिक दीवाना आवारा सब छापो, अब छाप लीजिए इसे, अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूं ऐसा ही जो घर से करेंगे, फिर एक क्वेश्चन दूंगा आगे वाला जो ज्ञान वाला है, और अब हमारा स्तर बढ़ रहा है धीरे धीरे, आपके पास नया नया ज्ञान आएगा, बिल्कुल दिमाग खोल के रखो, अब छाप लिए बहुत अच्छी बात है, आपसे बन गया था, किन से बन गया था, अब तो लास्ट वाला आसान हो गया ना, तो जिस वेग से फेंकोगे उसी वेग से लौटेगा, बस बनाना भी नहीं है, देख करके आंसर देंगे हम, एक सेम क्वेश्चन घर के लिए दे रहा हूं मैं, सेम घर से बना लेगा बस खुश रहेगा, बायोलॉजी पहले से अनाउंसड है ना, कल होगा फिजिक्स, यही ना, हाँ ऐसे ही होगा, हाँ डबल फिजिक्स में डबल रहेगा, लेकिन बायोलॉजी में डबल नहीं है, कम ही पढ़ाए हैं सर, डबल है, फिजिक्स में डबल रहेगा पक्का, ऑब्जेक्टिव भी डबल रहेगा, सब्जेक्टिव भी डबल रहेगा, लॉन्ग भी डबल रहेगा, शॉर्ट भी डबल रहेगा, आधे बनाने हैं, चलिए एक और क्वेश्चन घर के लिए सेम दे रहा हूं मैं, घर पर सब अटेम्प्ट मारेगा, बस कुछ नहीं किया हूं, यहां पर लिख दिया हूं एक गेंद को ऊपर फेंका गया है, नहीं 40 मीटर पर सेकेंड से, नीचे कैसे फेंकेंगे, धरती को फाड़ के फेंकेंगे नीचे क्या बताऊं क्या करूं,
क्या कहोगे तब ना, मतलब क्या बदलू? अच्छा वो वाला क्वेश्चन दे रहे हैं, दे रहे हैं, वो अपने आप आ रहा है, इससे थोड़ा अच्छा है वो। एक ऐसा क्वेश्चन है जो घर पर करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। देखो उसको सो रही है, कुछ लुढ़क गई, हिला उला के देखो है। हाँ हाँ, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, सब लोग इधर देखो। ये क्वेश्चन है, एक गेंद को ऊपर की ओर 40 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया है, सेम सॉल्व करना है, सेम सेम सॉल्व करना है, सेम सेम सॉल्व करना है। मिटा दूं सब कुछ? ये क्वेश्चन टीप लो, सेम सेम सॉल्व करना है, टीप लो, सेम सेम सॉल्व करना है, टीप लो, सेम सेम सॉल्व करना है, टीप लो, टीप लिए, बहुत अच्छी बात है। सेम सेम टीप लो इसे, जल्दी से घर से करेंगे, फिर अच्छा क्वेश्चन एक दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखो तो। एक गेंद को, क्वेश्चन लिखो, एक गेंद को, एक गेंद को 80 मीटर ऊंचे टावर से, एक गेंद को 80 मीटर ऊंचे टावर से, एक गेंद को 80 मीटर ऊंचे टावर से 30 मीटर पर सेकंड के वेग से, 30 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो पिंड का उड़ान काल याद करें, तो पिंड का उड़ान काल याद करें, तो पिंड का उड़ान काल याद करें, तो पिंड का उड़ान काल याद करें। क्वेश्चन तुम्हें बड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन जितना आसान लग रहा है उतना ही मुश्किल है। चलिए एक बार सब लोग मिलकर के सोचते हैं, सब लोग मिलकर के इस क्वेश्चन पर सोचते हैं, आपसे बन जाएगा। और ये होमवर्क दे रहा हूं मैं, अरे दे देखेगा ही ना तू। क्वेश्चन लिख लिया मैंने, क्वेश्चन क्या दिया है सुनो मेरे प्यारे प्यारे, रे लड़का ये देखो, बहुत भारी नहीं है लेकिन बहुत आसान भी नहीं है क्वेश्चन। सुनो ध्यान से क्या है क्वेश्चन, कि एक गेंद को, सुनो कैसे बनाओगे सो बता रहा हूं। एक गेंद को 80 मीटर ऊंचाई वाले भवन से, 80 मीटर ऊंचाई वाले टावर से ऊपर की ओर फेंका गया, किस रफ्तार से? 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। बढ़िया, सुनो सुनो इस बात को पहले, क्या है क्वेश्चन तब तुम्हें, रे तुमको समझ में आ गया? तू खड़ा होकर बता दो क्या करना है, घड़ी वाला, हाँ खड़ा हो जाओ, समझाओ क्या करना है इस क्वेश्चन में। नुहेरा कहीं हंस गया तू उसके साथ बात करके, तुम बताओ बगल वाला, तुम बताओ तो क्या होगा इसमें, क्या करना है हमें, खड़ा हो जाओ। तो बात क्यों कर रहे हैं दोनों? टोपी तू बता, बता ना, नहीं पता नाच कहे कर रहा है, बानर कहेगा। तीनों बैठ जाओ, ध्यान बोर्ड पर देना बस। देखो इधर क्या कह रहा हूं मैं, तुम्हें लग रहा होगा कि फालतू है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, एक बार जान जाओगे तभी आसान है। सुनिए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, हमारे पास दो अप्रोच है। पहला अप्रोच बता रहा हूं जो सबको पता होना चाहिए, कॉमन, सब लोग ध्यान से देखो, पहला अप्रोच कॉमन है, जो आपको पता है वही अप्रोच लगा रहा हूं मैं। क्या करेंगे हम, सोच सकते हैं ऐसा कि सर उड़ान काल आप बोल रहे हैं, उड़ान काल का फॉर्मूला सर आपने ही बता रखा है हमें, 2u/g, अरे बताया है ना, क्या कौन सा फॉर्मूला, जो ऊपर की ओर फेंका जाता है तो कौन सा फॉर्मूला है, 2u/g। यदि आपने गलती से ये लगा दिया तो ये तो केवल इतना दूर का ना उड़ान काल बताएगा, जहां से फेंके हैं तहां तक पहुंचने में लगा हुआ समय, लेकिन बताओ गेंद यहीं तक पहुंचेगा कि यहां तक, नीचे तक पहुंचने वाला है, तो ये फॉर्मूला तो आपका फेल हो गया, गलत हो गया, यहां से ही कष्ट शुरू होता है। अब कोई कहेगा सर नहीं हम नीचे से फेंक देते हैं, बड़ा बढ़िया है, यहां से फेंकते हैं अब बस निकाल देंगे फॉर्मूला, वो भी गलत है, इसीलिए कि फेंका तो यहां से गया है। अब मैं सही अप्रोच बता रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मजा आ जाएगा, बना लोगे सब लोग। चलो मुझे बताओ, सिर्फ यहां से यहां जाने का समय निकाल सकते हो?
सिर्फ इतना का समय। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? यू बाय जी। बुआ नहीं बना के लाओगे तब कल पूछूंगा मैं, ध्यान दो इधर, सो जाना 2 मिनट के बाद, बढ़िया से तकिया वगैरह सब मंगवा दूंगा मैं। इधर पहले देख लो, सिर्फ यहां से यहां जाने का समय निकाल सकते हो कितने? कितने? यू बाय जी। अच्छा यहां पर वस्तु तो विराम में है ना, यहां पे वस्तु तो विराम में हो गया। अच्छा हमने यहां से यहां तक का जाने का समय निकाल लिया, जे निकला वो हम अलग रख दिए। अब हम अधिकतम ऊंचाई निकाल लेंगे, यहां से कितने गया वो तो निकाल लोगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? यू स्क्वायर बाय 2g। अब क्या करोगे पता है भैया? हम मान सकते हैं ना कि बिल्डिंग 80 मीटर नहीं बल्कि 80 या प्लस या अधिकतम ऊंचाई वाला, यानी यहां तक हमारा बिल्डिंग का ऊंचाई है। फोन चला रहा है देखो बुआ, रे नुनू तेरे बानर कहीं का एक आप पर एक बानर है समझा। एक बड़ा अच्छा शेर है सुना, सुनो सुनाता हूं। बड़ा अच्छा शेर है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को, सुना है कभी? मैं सुनाता हूं मैं। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, समझ रहे हो? मैं सुनाया हूं तो बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, और अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, हर डाल पे उल्लू बैठा है, यही बात है। हाँ सुनाया हूं तो बस यही काम करता, मत बजाना। अच्छा अपनी बुराई करके पहला बार देख रहा हूं ताली बजाने वाला प्राणी, खुद की बेइज्जती पर हंस रहा है। हाँ भाई देख लो आप लॉजिक, लॉजिक देखो। हमने यहां जाने का समय निकाल लिया, यहां पर वस्तु विराम में, अब हम जितने दूरी है टोटल यहां से चला देंगे यहां तक पहुंचा देंगे। इसका आंसर है 8 सेकेंड। दूसरा मेथड कल बताता हूं मैं, आंसर है इसका 8 सेकेंड। दूसरा मेथड कल बताता हूं, एक बार में पट से आंसर आएगा बिना खट की आवाज किए हुए, ठीक है? तो हाँ ठीक है, ड्रॉ करोगे? हाँ आंसर सही तू निकाली है। अरे उतना भी भारी नहीं है, मैं सही बस माहौल बना रहा हूं। हाँ क्वेश्चन आसान है, भारी क्या रहेगा, तुमसे भारी कुछ हो सकता है, सो बताओ। हाँ बोलो ना।